हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल अभिराग राठौर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल अभिराग राठौर एक ऐसा चैनल है जिसमें हम लोग छोटे छोटे ब्लॉग डालते हैं, हम अभिषेक और निखिल। और निखिल तो हमारे साथ में नहीं है अभी, वो मैच खेल रहा है और अभिषेक वो वीडियो बना रहा है और मैं, तीनों लोग ब्लॉग छोटे छोटे डालते हैं। बस यही आपको दिखाते हैं कि हमारे घर के पास में क्या है, कहाँ जाते हैं। बस इसी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक मिश्रा यूपी के कानपुर से हूँ और हमारा जो छोटा सा चैनल है अभिराग राठौर, उसमें मैं छोटे छोटे ब्लॉग करता हूँ जो हमारे दोनों दोस्तों के साथ मिलकर, जिस जैसा भी आप लोगों को अभिराग ने बताया। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट अभिषेक मिश्रा। हाय फ्रेंड्स, एक बार अभिषेक मिश्रा अभिराग राठौर चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो अभी मैं हूँ यहाँ कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर। तो यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं लखनऊ, उसके बाद जाएंगे हरदोई, क्योंकि हरदोई में मुझे ITI कॉलेज मिला है और अब उसमें मेरा एडमिशन होगा। तो ये हम हैं और मेरा ये दोस्त है, आपके साथ में दिखा दूँ, ये अनुराग सिंह नाम है इसका। और मैं यहाँ पर स्टेशन पे घूम रहा था तो मैंने देखी यहाँ पर एक मशीन, ये यहाँ पर हूँ। तो ये मशीन है, तो इसमें पानी, पैसे डालोगे आप यहाँ पर तो यहाँ पर पानी आपको मिल जाएगा। ये पानी, पानी पानी लो, पानी पानी लो, पानी दीजिए। तो ये देखिए अभी पानी है, पैसे डालो, ले रहे हैं पानी। ये देखिए बोतल लगी, बोतल लगाई गई और ये पानी भर रहा है और ये भर गया वो। और ये देखिए बोतल फुल, अच्छा पानी है। तो अब चलते हैं आगे। और ये कुछ देखिए, ये फ्रेंड मेरा पानी पिया और ये ट्रेन खड़ी हुई है। बस ये कुछ मशीनें वगैरह लगी हैं और अब हम लोग चलेंगे, जब ट्रेन में पहुंचेंगे उसके बाद आपको अगला का वीडियो ट्रेन में दिखाएंगे, ठीक है। तो यहीं से स्टॉप करते हैं और चलते हैं ट्रेन में। हाँ तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ। तो कौन सी है भाई, मानिकपुर पैसेंजर है जो झांसी से आई है और जाएगी लखनऊ। तो उसमें बैठ चुके, अच्छी काफ़ी सीट मिल गई है, बटन वगैरह रखा हुआ है, मोबाइल भी चार्ज हो रहा है और ये हमारे फ्रेंड बैठे हुए हैं सामने। बस अब निकलते हैं लखनऊ में, कभी चले, गर्मी भी काफ़ी बहुत है। हमारा फ़ोन भी चार्ज हो रहा है, फ़ोन देखिए, फ़ोन चार्ज हो रहा है, चार्ज लगा हुआ है। गर्मी कुछ ज़्यादा है, पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, देखिए सारे पैसेंजर। चलते हैं लखनऊ, बाकी का आगे का ब्लॉग लखनऊ में चल के बनाएंगे। फ्रेंड, जैसा अभिषेक ने बताया कि ट्रेन आने पे हम लोग बैठ जाएंगे, तो अभी हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और ये देखिए अभिषेक बैठे हुए यहाँ पर। अभी देखते हैं ये लखनऊ कब पहुँचती है और उसके बाद चल रही है। हाँ देखो, ट्रेन अभी चल रही है यहाँ से, अभी देखते हैं कितने टाइम पहुँचती है ट्रेन, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है, पानी की बोतल तो यहाँ रखी है, ट्रेन की कंडीशन तो अच्छी लग रही है आज, मतलब अच्छी ट्रेन मिली है, ठीक है। बाकी का आप लोगों को बाद में बताते हैं लखनऊ पहुँच के, ठीक है, बाय। अभिषेक अभी हम लोग बैठ चुके हैं तो ट्रेन चल पड़ी है और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं गंगा जी के पुल। तो अब आपको दिखाएंगे कि वहाँ से ऊपर से कैसा कैसा क्या लुक दिखाई देता है और सीन कैसे। आप लोगों को दिखाऊंगा कि देखिए आ गया, ये गंगा जी का पुल है। ये प्रॉब्लम, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि यहाँ पर ट्रेन इतनी वर्किंग है, चल रही है ट्रेन। ये देखिए गंगा जी, ये देखिए लोग कुछ आधी गंगा में पानी आता है। मतलब देखिए आधी गंगा यहाँ पर जो क्या है ना, कभी कभी सूखा टाइप का पड़ जाता है, तो यहाँ पर आधी जगह में पानी है और आधी जगह में नहीं। ट्रेन स्टॉप हो रही है और ये शिमला गंज स्टेशन के पहले थोड़ा सा ये पुल वगैरह है, सारे लोग खड़े हुए हैं। देखिए गंगा जी में आधे में पानी है और आधे में, और ये सामने आप पुल देख रहे हैं ना, तो ये पैदल मतलब रूट वगैरह के लिए, उसके नीचे पैदल और साइकिल के लिए। और आप वहाँ दूर आपको दिखाई दे रहा होगा, बट मुझे दिखाई दे रहा वो गंगा बैराज है, ओके, काफ़ी दूर सामने दिख रहा होगा वो गंगा बैराज है। अगर आप नहीं मालूम है तो आप यहाँ आई बटन पर लिंक दे दूँगा, तो वहाँ पर देख लीजिएगा, मैं वीडियो बनाऊँगा उसका भी। तो ट्रेन फाइनली खड़ी हो चुकी है और अब जब ये चलेगी उसके बाद में आगे अपना रुक चुकी है। और अब मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि पीछे का क्या लुक है। और यहाँ पर आधी जगह में पानी है और आधी जगह में पानी नहीं है, हालांकि जिसको गंगा जी बोला जाता है, तो
काफ़ी लोग यहाँ दर्शन करने भी आते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको यहाँ आई बटन पर लिंक दे दूँगा, देख लीजिएगा। हाँ, तो फाइनली बैक कैमरे से दिखाते हैं कि बात है। और ये रखी है पानी की बॉटल, और अब आपको दिखाता हूँ ये आ गया बाहर का लुक। तो ये जो सामने आप पुल देख रहे हो, ये तो ये ओवर ब्रिज है, बट इसके नीचे जो गंगा जी, कभी कभी यहाँ पर ज़्यादा पानी आ जाता है ना, तो पूरा एकदम पुल तक चली जाती है। और ये जो बीच नीचे देख रहे हैं आप, ये साइकिल से लोग जा रहे हैं, ये जा रहे हैं साइकिल से लोग, तो ये साइकिल वालों के लिए है। और ये जो ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाहन जो ई रिक्शा वगैरह या इससे भारी वाहन नहीं जा सकते, बिकॉज ये काफ़ी पुराना हो चुका है। अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में तो आगे कभी बताऊंगा दूसरे नए वीडियो में, कभी जब वहाँ जाऊंगा। और वो काफ़ी दूर आपको देख रहे होंगे, पीछे भी एक हल्का सा पुल टाइप का दिखाई दे रहा है, वो है गंगा बैराज। ठीक, और वहाँ पर गंगा बैराज है। और ये सब नीचे कुछ देखिए, कुछ और दिखाता हूँ, ये देखिए आप लोग, मैं मोबाइल बाहर निकालता हूँ। ये देखिए कुछ लोग खड़े हुए हैं, कहाँ गया भाई, सारे लोग जा चुके हैं, ये लोग नीचे खड़े थे। बट दरअसल बात है ना, रिलीजियस प्लेस है, और तो यहाँ पर कुछ लोग पैसे वगैरह गंगा जी में समर्पित करते हैं, तो वहाँ कुछ बंदे खड़े रहते हैं वो उनको उठाने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम है कानपुर रही है। इसलिए देखिए आधी जगह में पानी है, यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पर खेती वगैरह होती है। और उस तरफ देखिए आप लोगों को पानी दिखाई दे रहा, वो पानी देख रहे हैं आप, वो पानी दिखाई दे रहा होगा सामने, वो पानी ही है। तो अब लखनऊ पहुँच के आगे बीच बीच में मैं आप लोगों को अच्छी जगह प्लेसेस का वीडियो देता रहूँगा, जो आप लोगों को जो मतलब अच्छा लगे। और काफ़ी अच्छा लुक है यहाँ का भी, यहाँ पर कभी आइए घूमने, हमारा कानपुर का ब्रह्मावर्त नाम का ये स्टेशन है, और आगे सुखलागंज जाएगा, तो अच्छा लुक है, आइए कभी। बाकी का अगला वीडियो ट्रेन के आगे कोई अच्छी जगह पर। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लखनऊ, ट्रेन काफ़ी लेट हो गई थी, इस कारण हम लोग प्रॉब्लम में काफ़ी फंस गए, इसलिए हम लोग आज नहीं जा पा रहे हैं हरदोई, क्योंकि ट्रेन लेट है और बारिश भी काफ़ी हो गई है, और जितनी ट्रेनें थी वो सारी रद्द हो चुकी हैं। अब फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लखनऊ, चार बाग है ना, तो ये देखिए आप लोग इंजन खड़ा हुआ है, मैं और मेरा जा रहे हैं घर वापस कानपुर, फिर कानपुर में आपसे मिलते हैं। यहाँ का सीन देख लो, ये देखिए पूरा ये पीछे इंजन खड़ा हुआ है जो, तो यहाँ तक क्या प्रॉब्लम है ना, गाड़ी यहाँ पर आके यहीं पर रुक जाती है, उसके बाद आगे गाड़ियाँ जाती नहीं है, इसलिए यह चार वॉल्यूम की प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, क्योंकि भैया थोड़ा प्रॉब्लम तो है ही है यहाँ पर, और काफ़ी नॉइज़ भी हो रहा है, और जो अनाउंसमेंट होती है ना, क्या नाम है, ट्रेनों का अनाउंसमेंट होता है, उस कारण थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम आ रही होगी। बाकी अभी हम लोग चलेंगे ट्रेन में, तो आप लोगों को वहाँ का भी वीडियो दिखाएंगे, वहाँ से पूरा सीन होता क्या है, और कानपुर सेंट्रल पहुँच के वापस फिर हम आपको दिखाएंगे कि हम लोग कैसे पहुँच गए, और दिखाऊंगा। ओके, दिखा तो सब कुछ रियल चीज़ें, पहुँचते हैं कानपुर सेंट्रल, फिर मिलते हैं अभिराज राठौर। और हाँ, एक चीज़ रुक रह गई मेरे पास, अभी हम लोग जाएंगे और कुछ खाना वगैरह खाते हैं, वहाँ का आपको दिखाते हैं, चलते हैं खाना वाना खाते हैं, कुछ भूख लगी, देखिए भाई मेरा भूखा हो गया। हाँ, तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग कानपुर पहुँच चुके हैं, और टोटली थक चुका हूँ मैं और मेरा दोस्त दोनों, ये देखिए बहुत थक चुके हैं, और यहाँ हम पहुँच चुके हैं नौबस्ता थाना कहा जाता है, तो यहाँ पर देखिए बहुत यहाँ पानी की बारिश ज़्यादा हुई है, और क्या बताऊँ, पूरा फुल तरह टायर्ड हूँ, बस आराम करना चाहता हूँ, बस थोड़ा खाना और उसके बाद आराम। यहाँ पे पानी बरसा है, शायद जहाँ आप हो वहाँ भी बरसा हो, और बहुत जाम लगा हुआ है, कोई सीमा नहीं है, देख सकते हैं आप पीछे, देखा टोटली जाम लग चुका हुआ है, हम लोग पूरी तरह थक चुके हैं, और अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बाय, अभिराग राठौर के साथ, अभिषेक मिश्रा के साथ, अभिराग राठौर चैनल, मिलते हैं अगले वीडियो में, कैरी ऑन।